इस पूरे कोरोना वायरस का जो ये महामारी चल रहा है उसमें आपको जो आशा वर्कर की तरह जो आप काम करते हैं उसमें आपकी क्या जिम्मेदारियां रही हैं और आपको किस तरह का काम करना पड़ा है और उसमें किस तरह की जो है आपको किस तरह की स्थितियों को झेलना पड़ा उसके बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहते मेरे गांव का नाम कतलूपुर है और मेरा जिला सोनीपत है और पीएचसी हलालपुर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो हलालपुर है, हलालपुर के अंडर हमारा गांव आता है। और ऐसे आशा वर्कर मुझे 9 साल हो गए हैं जी। और 9 साल में हम जब बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की तो बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है और उसमें कुछ कमियां आई हैं। उल्टा पिछले 6 साल में जैसे स्वास्थ्य का बजट घटा है उससे काफी नुकसान हुए हैं, जैसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए और वैसे भी आम लोगों को देने के लिए आयरन की टेबलेट होती थी पर्याप्त, और भी छोटी मोटी बीमारियों की दवाइयां जो है सब सेंटर पे मिल जाया करती थी। लेकिन अब जब से ये सरकार आई है बजट कम किया गया है तब से ये सुविधाएं नहीं है। इवन के कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के हमें कार्ड बनाने होते हैं एमसीपी कार्ड, वो कार्ड भी हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं और हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन और कैल्शियम पर्याप्त चाहिए, वो भी समय पे नहीं आती है। तो अब काफी पहले से ज्यादा अब क्राइसिस है और इन सब चीजों की जरूरत जो है गांव के स्तर पर लोगों को ज्यादा है, क्योंकि जो ये कम्युनिटी है इस कम्युनिटी में सब तरह के लोग रहते हैं, सभी जातियों के रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं और वो बड़ी स्वास्थ्य की सुविधाओं तक पहुंच नहीं बना पाते हैं, इसलिए उन्हें हमसे ज्यादा मदद की अपेक्षाएं हैं और वो हमारे हेल्थ सब सेंटर पे पर्याप्त उनको नहीं हो पा रही है आज के दिन और जब से ये महामारी आई है। एक हाँ जी मिनट, ये थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताएंगे कि कितना बड़ा गांव है और वहां पर आप कितने परिवारों को देखते हैं? 2500 की आबादी है यहाँ पे जी और हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हमारे साथ दूसरे गांव को जोड़ा गया है, वो ज्यादा बड़ा गांव है तो हम 1000 की आबादी पे एक आशा वर्कर नियुक्त की जाती है जी और हम 1000 की आबादी में छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, वो सब जोड़ के 1000 की आबादी पे एक आशा वर्कर नियुक्त की जाती है। और मैंने पहले भी बताया सभी जातियां हैं, ज्यादातर गरीब परिवार गांव में रहते हैं किन जातियों जिनके के पास परिवार हैं इस गांव में? इस गांव में हरिजन हैं, बाल्मीक हैं, बीसी के जो बैकवर्ड में जो जातियां आती हैं जैसे नाई हैं, झीमर हैं, कुम्हार हैं और ये सारी जातियां इसमें हैं और कुछ मुस्लिम परिवार भी गांव में रहते हैं। ज्यादातर एरिया में देखा है वो जो जमीनी है, जो जमीन जिनके पास है वो जमीन जो है वो या तो जाटों के परिवारों के पास है जी या फिर एक हरियाणा में एक विशेष जाति है जैसे राजपूत है उनके पास है या पंडितों के पास है, जी बाकी की जो जातियां हैं किसी के पास भी जमीन नहीं है, वो सब परिवार जो हैं वो भूमिहीन परिवार हैं। तो गांव में और कितने जो परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन होंगे? लगभग कितने प्रतिशत ऐसे परिवार? गांव में जो है वो 50% परिवार ऐसे हैं, उन दो जातियों के उतने ही परिवार हैं जिन जो जमीन जमीन वाले हैं और बाकी की जो सारी दे आबादी है वो भूमिहीन परिवारों की है। हाँ जिनके पास जमीन नहीं है उनके जी आजीविका के क्या साधन है गांव में? ज्यादातर लोग जो है मजदूरी करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं, प्राइवेट जो ठेके की नौकरियां हैं उनमें जाते हैं, महिलाएं भी प्राइवेट ठेके की नौकरियों में जाती हैं और कुछ मनरेगा में भी कार्य करते हैं। कुछ जो ये भूमि वाले परिवार हैं खेती का कोई काम होता है तो वो जो खेती और मजदूर हैं कुछ जी उसमें भी कार्य करते हैं, यही विशेष संसाधन है इनकी। तालाबंदी हुई थी उसका इस तबके पर क्या असर हुआ आपके गांव में? जो गांव के लोग मजदूर जो जो बाहर काम करने के लिए जाते थे उनके ऊपर क्या असर हुआ? जी हॉस्पिटलों में सिक्योरिटी गार्ड है, बिजली के विभाग में ठेके की नौकरी करते हैं या औद्योगिक मजदूर हैं वो, तो उन सब के जो काम है वो आज के दिन ज्यादातर जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है उन्होंने जब लॉकडाउन हुआ तो उनको गांव से बाहर नहीं जाने दिया गया
हर एक जिले में हर एक डीसी कार्यालय से ये आदेश थे कि कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा, और जब उनको लगातार बाहर नहीं जाने दिया गया और जब उनको रोका गया गांव में ही, तो जो उनके ठेकेदार थे या वो उनके उद्योगों के मालिक थे, उन्होंने उनको जो है बिना पैसे दिए ही उनको काम से निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया, वो उस लॉकडाउन के दौरान गांव से बाहर नहीं जा सकते थे और कहीं कहीं चोरी छुपे काम चल रहे थे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का काम है हॉस्पिटलों में, हॉस्पिटल तो सारे खुले हुए थे, उनको ड्यूटी करनी ही थी, तो इसलिए वो नहीं जा पाए, तो उनको मजबूरी वश जो है वो ठेकेदारों ने उनको नौकरी से निकाल दिया। अब थोड़े थोड़ा एक हम देख रहे हैं कि 10-1% लोगों को, 100 में से 10 लोगों को काम मिला है, लेकिन जो 90 लोग हैं उन 90 को काम नहीं मिला है, वो रोज दर बदर भटक रहे हैं काम के लिए। कभी उनको कह देते हैं कल आओ परसों आओ, मिलेगा काम नहीं मिलेगा। विशेष तौर से ये भी है कि उनको जो लॉकडाउन के दौरान तो थोड़ा बहुत खर्च जो है उस समय पे सरकार ने आदेश जारी किए थे कि भाई सबको पैसा देना है, तो थोड़ा बहुत खर्च उनको दिया गया, लेकिन आज उनको वो पहले का हिसाब किताब भी उनका पूरा नहीं दिया गया जो उनका काम किया हुआ पैसा बनता था, और अभी उनको काम से भी निकाल दिया गया है। जो 200-250-300 परिवारों को जो आप देखती हैं आशा वर्कर के तौर पर, उनमें से क्या कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको इस समय पर अपनी आजीविका छिन जाने के कारण खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, मतलब उनको खाने की तकलीफ है? जैसे मेरे गाँव में ये 250 परिवार ऐसे हैं, एक हम मोटा मोटी निकाल लेते हैं कि हमारे परिवार गांव में 300 से 350 परिवार रह रहे हैं, लेकिन 300 से 350 परिवारों में 150 परिवार ऐसे हैं जिन 150 परिवारों को वो भूमिहीन है, उनके पास रोजगार के बहुत कम संसाधन है, और जो केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रणाली शुरू की गई है उसके खाद्य प्रणाली में काफी खामियां हैं। हम जब देखते हैं, अभी मैं लॉकडाउन के दौरान घर में रही, तो वो जो अनाज जिन लोगों को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, केवल 120 परिवार हैं जिनमें जिनको वो अनाज मिल रहा है, और 120 जिनके पास राशन कार्ड सबके पास सुविधा है, ऑनलाइन नए राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन उनको अनाज नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। वो केवल एक सर्वे हुआ, और वो UPA 2 की सरकार थी तब सर्वे हुआ 2013 में, और 2013 में उसको एक जगह पे एक स्तर पे आके सरकार ने बंद कर दिया। जो जरूरतमंद लोग थे वो जरूरतमंद लोग जो है वो रह गए, और मैंने अपने गांव में एक सर्वे किया तो बिल्कुल जरूरतमंद परिवार जिनकी मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, उनमें से 62 परिवार ऐसे हैं जिनको आज के दिन बिल्कुल जरूरत है। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो विधवा महिलाएं हैं, उनको अनाज नहीं मिल रहा है, उनके पास खेती का भी कोई साधन नहीं है, वो भूमिहीन परिवार हैं, और जिनको मिल रहा है उनमें खामियां हैं, उनके घरों में सरकारी नौकरी है या फिर वो जो खाद्य सुरक्षा प्रणाली है वो उसके तहत दायरे से बाहर हो गए हैं। एक समय में कुछ लोग बाहर हो जाते हैं और कुछ उसमें नए हमें जोड़ने की जरूरत होती है, तो वो सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया है, जो जरूरतमंद है वो इससे बाहर है खाद्य प्रणाली से। अच्छा, गांव में इस दौरान में कुछ NREGA का काम हुआ है क्या, रोजगार गारंटी स्कीम जो है उसमें कुछ काम हुआ है, आप जानते हैं क्या? अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। 3-4 दिन पहले गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर और कोई एक उनके सहयोगी टीचर जो है गांव में सर्वे करके लेके गए हैं, उन्होंने सबके आधार नंबर लिए हैं, उन्होंने पूछा है आपको मनरेगा में काम की जरूरत है कि नहीं है, आपको जो है अनाज की जरूरत है या नहीं है। लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने तो घोषणा की थी कि जिसके पास राशन कार्ड है, जो नए राशन कार्ड ऑनलाइन जिन्होंने बनवाए हैं, सबको अनाज दिया जाएगा, लेकिन हरियाणा में ये केवल घोषणा थी, किसी को भी अनाज नहीं दिया गया है। और अभी तक कुतनपुर में नरेगा का कोई काम नहीं हुआ है, इस नरेगा में अभी तक कोई नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताएंगे कि आशा वर्कर के तौर पर जब ये कोरोना वायरस का सारा ये महामारी शुरू हुई, उसके बाद से आपके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी
रही है? एक आशा वर्कर की जो कम्युनिटी में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। और जब ये आया कोरोना वायरस, तो हमें भी एक्चुअल में 20 मार्च तक तो हमें भी नहीं पता था अच्छे से कि ये क्या है। बस हम सुन रहे थे, टीवी पे देख रहे थे क्या है, और हमें ये भी नहीं पता था कि इसमें जो कार्य है वो फ्रंट लाइन में हमें ही करना पड़ेगा। फिर अचानक से सरकार का एक आदेश आ गया 25-26 मार्च को कि आशा वर्कर्स को जो है हर घर में जाना है, सर्वे करनी है, गांव से बाहर कितने लोग काम करने जाते हैं, और गांव में सरकारी नौकरी वाले कितने हैं, पुलिस में कितने हैं, ड्राइवर कितने हैं, सब्जी वाले कितने हैं, दूध वाले कितने हैं, 10 साल तक के छोटे बच्चे कितने हैं, और 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग कितने हैं, गर्भवती महिलाओं का जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी डाटा होता है, डाटा हमारे पास सारा होता है। लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा काम थे, दूध वाले, सब्जी वाले, सरकारी नौकरी वाले, पुलिस वाले या फायर वाले, मतलब एक एक बंदे की हमें डिटेल देनी थी कि गांव में कौन किस समय जाता है, किस समय आता है, उनके बाहर, घर के बाहर हमें क्वारंटीन पेपर लगाने थे, जिससे हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब हमने सरकार को ये डिटेल दी, तो सरकार ने अदर स्टेट में, जैसे दिल्ली से हरियाणा में जाने पे रोक लगी, यूपी से हरियाणा में, या हरियाणा यूपी से दिल्ली में, सब पे रोक लगी, तो कम्युनिटी है जो, वो कम्युनिटी के लोग ये समझने लग गए कि हम जो है रिपोर्ट सरकार को हर रोज देते हैं, और आए दिन कोई ना कोई जो नया पछड़ा उनकी जान को खड़ा हो जाता है, वो हमारी वजह से हो जाता है। तो बहुत जगहों पर आशा वर्कर्स के ऊपर हमले हुए हैं, हमें लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग गरीब हैं, उनकी प्राइवेट नौकरी है, उनको अपना रोजगार जाने का डर था, और हम उनको लगातार बाहर जाने से रोक रहे थे, और अलग अलग तरह से हम उनके सर्वे कर रहे थे। और जब क्वारंटीन पेपर लगाए लोगों को, उनके घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया आप सेफ्टी रखिए, तो उससे उनको और भी, मतलब जैसे अभाव है, जैसे छुआछूत सा मान लिया लोगों ने इसको, कि हम, हमारे एक घर पे क्वारंटीन पेपर लगा दिया और हम तो पूरे गांव में अछूत हो गए, और एक जैसे हवासी बन गई कि भाई फलाने घर में तो कोरोना है, उनके घर नहीं जाना, उनसे बात नहीं करनी। जब उनके घर पे कोई दूध सब्जी या उनकी जरूरत की चीजें नहीं पहुंचा रहा था, तो एक आशा वर्कर को ही वो काम भी उनके करने पड़े हैं, कि वो नैतिकता का आधार है हमारा, हमें वहीं पे काम करना है। आपके गांव में कोई कोरोना के पेशेंट हैं अभी तक, हुए हैं अभी तक इस बीच में? जी, 3 से 4 पेशेंट हमारे गांव में हुए हैं। वो जो भी पेशेंट थे वो दिल्ली पुलिस में लड़की लेडीज, वो अपने वहां पे कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आई, और वो फिर उसका टेस्ट हुआ, तो एक बार उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई, एक बार उसकी रिपोर्ट फिर 4-5 दिन के बाद नेगेटिव आई। एक हमारी नर्सिंग सिस्टर है, वो लेडी हार्डिंग में दिल्ली में ड्यूटी करती हैं, वो भी पॉजिटिव पाई गई, उनकी पॉजिटिव उसमें ड्यूटी लगी हुई थी वार्ड में, तो वो वहां से ठीक होके आई है, लेकिन अभी वो 28 दिन के हमारे ऑब्जर्वेशन में है। जब कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो 28 दिन तक हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, हर दूसरे या तीसरे दिन ये हमें पूछना पड़ता है उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि वायरस जरूरी नहीं है 14 से 15 दिन में ठीक हो जाए, ये 28 दिन के अंदर दोबारा भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको ये सारी जानकारी, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या एहतियात बरतना है, इसके लिए आपको ये सब जानकारी कैसे मिली? अब ये जानकारी, शुरुआती जानकारी तो हमने विभाग को चिट्ठी लिखी, हमने प्रदर्शन किए, हमने विभाग से मांग की कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए, हमें ट्रेनिंग दी जाए, हम अपना बचाव कर सकें, हम जो है पब्लिकली ये अनाउंस कर सकें कि वो अपना बचाव कैसे करें। तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 घंटे की ट्रेनिंग 2 अप्रैल को और 2 से 10 अप्रैल के बीच में दी गई, और उसके बीच में ही हमें जो है ये सभी उपकरण भी उपलब्ध नहीं करवाए गए थे, उसके लिए भी हमने हरियाणा में तो लगातार प्रदर्शन किए हैं, लगातार सरकार को, होम मिनिस्टर को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, डीजी को हमने चिट्ठियां लिखी हैं कि जो सुरक्षा उपकरण है वो सुरक्षा उपकरण दिए जाएं, लेकिन हरियाणा में केवल मास्क दिए गए, और वो मास्क भी जो है वो केवल डिस्पोजेबल मास्क थे, वो 6 घंटे इस्तेमाल हो सकते थे, और वो सर्जिकल मास्क थे, उससे भी कोई फायदा नहीं था, उससे उल्टा
तीन परत का कम से कम मास्क चाहिए हमें इससे बचने के लिए, वो केवल सिंगल मास्क होता है, कहीं पे ग्लव्स नहीं दिए गए। एक आध जिले में कहीं पे अगर ग्लव्स दिए गए या कोई और सामान दिया गया तो वो कुछ सामाजिक संगठनों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ ऐसे लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों में किसी एनजीओ में काम करते हैं, उन्होंने हमें मदद किया, हमें सामान प्रोवाइड किया, लेकिन सरकार ने हमें खासी तौर पे कोई भी सुरक्षा उपकरण जो है इस रूप में हम पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो ऐसे उपकरण हमें उपलब्ध नहीं करवाए सरकार ने, आज तक भी नहीं करवाए हैं। तो गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या है, मतलब क्या एक सब सेंटर है या पीएचसी है गांव? नहीं, हमारे गांव में सब सेंटर है। और में क्या सुविधा है, बेड है कोई? नहीं, कोई बेड नहीं है, केवल यहाँ पे छोटे बच्चों का टीकाकरण होता है, गर्भवती महिलाओं की जांच होती है, अगर कोई आ गया तो हमारे पास तो सही मायने में तो किसी को हम एक फीवर की टैबलेट दे दे, एक पीसीएम टैबलेट हम दे दे, वो भी हमारे पास नहीं है। जबकि 9 साल में तो हमारे को बहुत बार ये ट्रेनिंग दी गई है कि किसी को हल्का बुखार है, जुकाम है, खांसी है, या किसी छोटे बच्चे को दस्त हो गए हैं तो हमें कौन सी दवाई और कितने कितने डोज में हमें देनी होती है, लेकिन आज तक सरकार ने हमें वो दवाई हमारी किट में प्रोवाइड नहीं करवाई है। हमारे पास कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है कि हम किसी भी गांव में किसी भी बुजुर्ग या गरीब परिवार का इसमें सहयोग करना पड़ सके। जैसे हमारे यहाँ पे एक लड़का 17 साल का, उसको कैंसर, ब्लड कैंसर, और उसकी दवाई जो है दिल्ली से चलती थी, सारे हॉस्पिटल बंद होने के चलते, और वो हॉस्पिटल जो है जहाँ से उसकी दवाई चलती थी वो हॉस्पिटल जो है आइसोलेशन कैंप बना दिया गया और उस लड़के को दवाई नहीं मिली। हो सकता था वो लड़का 10 साल जिए, वो 20 साल जीता, लेकिन 17 साल की उम्र में जो उसकी कैंसर की दवाई उसको मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, और हम बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको वो दवाई नहीं दिलवा पाए। हमने सबसे संपर्क किए, अपने सीनियर डॉक्टरों से जो हमारी जान पहचान थी उनसे संपर्क किए कि किसी तरह से हम वो कैंसर की दवाई उस लड़के को प्रोवाइड करवा सके, लेकिन हम इसमें असफल रहे। और गर्भवती महिलाएं जिनके अल्ट्रासाउंड होने थे, जो सरकार एक अल्ट्रासाउंड फ्री में करवाती है, उनके भी इस समय में अल्ट्रासाउंड नहीं हुए। कई जगहों पे, कई गांव में, मेरे ही एरिया में समय पे अल्ट्रासाउंड ना होने से बच्चे की जो है 5.5-6 महीने का बच्चा जो है पेट में ही वो मर गया। अगर उसकी समय पे जांच होती, अल्ट्रासाउंड करवा पाते तो पता चल जाता कि उसको क्या दिक्कत थी। हरियाणा में आशा वर्कर्स को कितना सैलरी मिलता है? हरियाणा में आशा वर्कर्स को 4,000 रुपए फिक्स देती है हरियाणा गवर्नमेंट जी। कुछ इंसेंटिव बेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है जी। तो वो सारा मिला के वो एक आशा वर्कर 7 से 7.5 या 8 हजार तक पहुंच जाती है। अभी जो ये कोरोना महामारी में कार्य किया आशा वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर रही आशा वर्कर्स, को ये भी नहीं पता कि कौन से घर में कोरोना का मरीज है, किसके दरवाजे के बाहर वायरस लगा हुआ होगा, कहीं से आया होगा, लेकिन सबके घर गई, उनके गेट भी खोले, उनसे बात भी की, और बिना पते के, मतलब जिसको पहचान करके आशा वर्कर ने भेजा टेस्ट करने के लिए, उसको डॉक्टरों को तो पहचान हो गई, उससे बचाव वो कर सकते हैं, लेकिन एक आशा अपना बचाव नहीं कर सकती थी। आशा ने बिना बचाव किए ही उसको बिना पहचान के कम्युनिटी में अपनापन करके और उसमें उनको भेजा है पहचान के लिए, तो उसमें जो है आशा वर्कर की अहम भूमिका रही है, उसके लिए भी हरियाणा सरकार ने केवल 1,000 रुपए उसको मानदेय दिया है। ये 1,000 रुपए महीने का होता है या एक बार के लिए? 1,000 रुपया अभी 3 महीने के लिए दिया है कोविड के सर्वे के लिए, अप्रैल, मई और जून। गांव में क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है? क्वारंटीन सेंटर गांव में नहीं, गांव में नहीं है अभी तक क्वारंटीन सेंटर हरियाणा में तो नहीं है, केवल जो डिस्ट्रिक्ट्स पे हॉस्पिटल्स हैं, जिला हॉस्पिटल है जो, और नागरिक अस्पताल बनाए गए हैं जो हरियाणा में, अभी तक आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर और पीजीआई है। जैसे यहाँ हरियाणा में 2 PGI हैं, खानपुर और रोहतक, वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। सबसे नजदीक आपके लिए टेस्टिंग का सेंटर कहाँ पर है? सबसे नजदीक तो नहीं है, हमारा जिला बहुत बड़ा है, सोनीपत
अभी तो केवल दो जगह पे हो रही है, एक तो गोहाना एरिया पड़ता है जी, 100 किलोमीटर में लगभग हमारा जिला है, 100 से 120 किलोमीटर में। तो एक एरिया तो गोहाना का है जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, और एक सोनीपत नागरिक हॉस्पिटल में टेस्टिंग हो रही है, इसके अलावा कहीं नहीं हो रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत सारी जानकारी दी जो हमारे बहुत सब साथियों के काम आएगी, तो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपके सारे काम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.